नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। जनपद बहराइच में परिवार नियोजन कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट वर्किंग ग्रुप की गठन बैठक एवं एडवांस फैमिली प्लानिंग की कार्यशाला 4 सितंबर से 5 सितंबर को होटल पंचवटी में आयोजित की गई। इस कार्यशाला में परिवार नियोजन से संबंधित सभी हितभागियों ने भाग लिया और परिवार नियोजन की जानकारियों और सेवाओं को सुचारू रूप से जनता के बीच पहुँचाने और परिवार नियोजन के बीच आने वाली दिक्कतों का समाधान करने का अध्ययन किया तथा परिवार नियोजन कार्य योजना भी बनाई गई। इस अवसर पर बहराइच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर पी के बांधिल पुरुष व डॉक्टर मंजिरी टंडन महिला ने परिवार नियोजन के बारे में जानकारियां दी। वहीं इस कार्यशाला को सुदूर बनाने के लिए संस्था की ओर से डॉक्टर अमित व डॉक्टर मधुर व की तरफ से कमलेश गुप्ता ने तकनीकी जानकारियां दी। सर, ये जो आज कार्यशाला रखी गई है, कार्यशाला संपन्न हुई है, इसका क्या मकसद? ये जो हमने 2 दिवसीय कार्यशाला रखी थी, इसका नाम FP स्मार्ट फैसिलिटेशन वर्कशॉप था। इसमें हमारा मकसद ये था कि हम जो एक ये हमारा डिस्ट्रिक्ट वर्किंग ग्रुप बना हुआ है फैमिली प्लानिंग के लिए, उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो फील्ड से समस्याएं हैं, जो लोकल समस्याएं हैं, उन पे हम विचार करें और उनसे ही हम पूछें कि जो हमारे पास अभी संसाधन हैं उनमें ही हम किस तरह काम करके फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमने जो हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उनको 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था और उनसे ही हमने पूछा कि किन किन बिंदुओं पे हम काम कर सकते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हैं जिनको एक टाइम लिमिट के अंदर हम पूरा कर सकें। कोई हम बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें, लेकिन छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाएं जो कि स्पेसिफिक हों, अटेनेबल हों और हमारे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से संबंधित हों, और एक छोटी टाइमलाइन बनाएं जिसको कि हम उसको हासिल कर सकें। और जब हम फिर से रिव्यू करेंगे एक महीने बाद अगर फिर से मीटिंग में कि हम कितना जो हमने सोचा था उसको हम कितना हासिल कर पाए, तो हमारा मेन मकसद यही है इस वर्कशॉप का। यूपी के बहराइच से विजय प्रताप गुप्ता की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में। और भी इसी तरह की खबरें आपको हम दिखाते रहेंगे।